बेटियों का विवाह नहीं होता, उन बेटा बेटियों के लिए मान लो अगर कोई ग्रह ऐसे हो गए कि भाई संबंध टूट गया और संबंध टूटने के बाद तलाक हो गया, होने के बाद दूसरा विवाह ही नहीं हो रहा, संबंध टूटने के बाद मंगल विवाह दूसरा हो ही नहीं रहा, तो प्रयास करिएगा। माँ जगतजननी जगदम्बा का हाथ इस तरह से रहता है, अपने दर्शन करेंगे पार्वती मैया के शिव मंदिर में, तो पार्वती जी का हस्त कमल शंकर जी की साक्षी में हमेशा बंधा हुआ रहता है, शिव की साक्षी। महाराज प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, कभी भी किसी भी प्रदोष के दिन, वैसे तो मूल है इसमें सोम प्रदोष का वर्णन, सोमवार की जो प्रदोष पड़े उसका मूलता माना गया है, पर आप प्रयास करना कि किसी भी प्रदोष के दिन, जिसका तलाक हो चुका हो, जिसका संबंध खराब हो चुका हो, संबंध हो ही नहीं रहा हो वापिस से, सोम प्रदोष के दिन जहां मां जगजननी का हस्त कमल बंधा रहता है और शंकर भगवान का शिवलिंग है, आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि सबसे पहली यज्ञोपवीत संस्कार, सबसे पहला यज्ञोपवीत संस्कार किसका हुआ था और किसने किया था? महाराज सबसे पहला यज्ञोपवीत माता ललिता देवी ने भगवान शंकर को यज्ञोपवीत धारण करवाया था। मां ललिता देवी ने सूत्र बनाकर अपने हस्त कमल से भगवान शंकर के सम्मुख में बिठाकर भोलेनाथ जी के हस्त कमल से स्वतः सूत्र बनाया था। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, बहुत प्रसन्न भोलेनाथ जी, इसलिए शंकर भगवान ने ललिता देवी को दो वर दिए थे, एक किसी का अश्रु नहीं देखूंगा, दूसरा जो यज्ञोपवीत समित समर्पित करेगा, यज्ञोपवीत का भाव जो मुझे देगा उसके जीवन में बांधाओं को हर लूंगा। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में देवताओं को जो यज्ञोपवीत चढ़ाया जाता है वो उलझा हुआ नहीं होना चाहिए, देवताओं को जो यज्ञोपवीत चढ़ता है उसको सुलझा कर चढ़ाया जाता है, समर्पित करेगा। अब कई कई विद्वान ब्राह्मण ऐसा कैसे यज्ञोपवीत में हल्दी लगाकर छोड़वा देते हैं, परंतु वो उलझा हुआ रहता है, वो सुलझा हुआ अगर चढ़ाएगा तो जो जजमान पूजन कर रहा है, जो जजमान पूजन में लगा हुआ है, उसको पूर्ण फल की अनुभूति हो, पूर्ण फल का प्राप्ति हो और ब्राह्मण भी बंधन से मुक्त हो। ललिता देवी चाहिए तो हमारे यहां भौम सोमवार का जो प्रदोष हो, उस प्रदोष के दिन जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, सारी तकलीफें झेल रहे हो, बहुत कष्टप्रद हो, तो माँ का जो हस्त कमल है उस हस्त कमल से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक एक कच्चे सूत की धार बनाई जाती है। महाराज छह धार कच्चे सूत की बनाई जाती है, यहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग है, यहाँ माता का हस्त कमल है, हस्त कमल से चालू होकर शिवलिंग, शिवलिंग से चालू होकर हस्त कमल, ऐसी छह धार बनाई जाती है महाराज, और धार बनाकर उस धार पर माखन का लेपन किया जाता है भगवान शिव का, जैसा ललिता माता ने भगवान शंकर से वर प्राप्त करा था उसी तरह, फिर उस लेपन को लगाने के बाद उसको उतारकर उसी को लपेटकर शंकर भगवान पर उसको चढ़ा दिया जाता है, मात्र अपनी मंगल विवाह की कामना करकर। अगर कोई कुंवारी अवस्था में कर रहा है तो उसमें हल्दी लगाए, और अगर कोई शादी होने के बाद, संबंध टूटने के बाद दूसरी शादी के लिए कर रहा है तो उसमें हल्दी ना लगा, बस इतना अंतर रहता है। कितना सुंदर है महाराज जी, उस आम के पल्लव की महत्वता को जरा जानिएगा, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा, आम के पत्ते देखें आप लोगों ने, अरे बोलो जम के तो बोलो, देखें उसका प्रयोग कभी आप लोगों ने करा, आम के पत्ते का कभी प्रयोग कर कर देखिएगा। अभी तो नवरात्रि चल रही है, नवरात्रे में जब पांचवा दिन नवरात्रे का रहे, चैत्री नवरात्रे का पांचवा दिन रहे, और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने और उसकी शादी हो ही नहीं रही, अथक प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी
भागवत में स्पष्ट कहा गया, देवी भागवत में वर्णन किया गया, देवी भागवत में वर्णित किया गया, और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्र की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्र हो, चाहे वो चार नवरात्र में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्र में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो दो स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रौली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना, इतना रख। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए, जिसका मंगल विवाह ना हो रहा, आम के पल्लव में शिव का वर प्रदान है, आम के पल्लव में शंकर का आशीर्वाद, आम के पल्लव में शिव का आशीर्वाद। कितना सुंदर है महाराज जी, उस आम के पल्लव की महत्वता को जरा जानिएगा, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। आम के पत्ते देखे आप लोगों ने? अरे बोलो जम के तो बोलो, देखें उसका प्रयोग कभी आप लोगों ने करा? आम के पत्ते का कभी प्रयोग कर देखिएगा। अभी तो नवरात्र चल रही है, नवरात्र में जब 5वां दिन नवरात्र का रहे, चैत्री नवरात्र का 5वां दिन रहे, और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने और उसकी शादी हो ही नहीं रही, अथक प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया है, देवी भागवत में वर्णन किया गया है, देवी भागवत में वर्णित किया गया, और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्र की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्र हो, चाहे वो चार नवरात्र में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्र में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो दो स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रौली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना, इतना रख। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए, जिसका मंगल विवाह ना हो रहा, आम के पल्लव में शिव का वर प्रदान है, आम के पल्लव में शंकर का आशीर्वाद है। और 11 आम के जो पत्ते जिसमें कच्चे सूत से लपेट कर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद, जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग? बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिंगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज अगर
घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को मां रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर आ जाइए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा अगर शिव कृपा।